नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेद की एक प्राचीन पद्धति के बारे में, जिसको पंचकर्मा कहा जाता है। इसके द्वारा आपके शरीर की शुद्धि की जाती है और रोगों को जड़ से निकालकर बाहर निकाला जाता है। कहा जाता है जो बीमारी दवाइयों के द्वारा नहीं ठीक हो रही हो, अगर उसे पंचकर्मा के द्वारा बाहर निकाला जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आती और वो निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। पंचकर्मा के अंदर पाँच कर्म आते हैं जो कि आपके शरीर के शुद्धिकरण में काम आते हैं। पंचकर्मा जो किया जाता है वो तीन स्टेप्स में किया जाता है। इसमें आपके शरीर को स्टेप बाय स्टेप शुद्ध किया जाता है और रोगों को जड़ से निकालकर बाहर फेंका जाता है। इसके अंदर तीन जो स्टेप आते हैं वो आते हैं पूर्व कर्म, जिसमें प्रीलिमिनरी प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद आता है प्रधान कर्म, जो के मेन प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं पश्चात कर्म, जो के फॉलो अप प्रोसीजर्स होते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपके शरीर को तैयार करने से लेकर, उसके ऊपर मेन प्रोसीजर करने से लेकर फॉलो अप प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जो के आपके रोग को ख़त्म करने में सहायक होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी प्रोसीजर्स किए जाते हैं, उसमें आपके शरीर को तैयार किया जाता है पंचकर्मा प्रोसीजर के लिए। आपकी जठर अग्नि को तीव्र किया जाता है, ताकि आपकी जो जठर अग्नि है पंचकर्मा में उपयोग किए जाने वाले जो औषधि हैं उनको पचाने में सक्षम हो पाए। इसके अंदर पूर्व कर्म से फर्क सबसे पहले किया जाता है, वो किया जाता है दीपन और पाचन। उसके बाद स्नेहन और स्वेदन। ये सब करने के बाद आपकी बॉडी जो होती है वो पाँच कर्म के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो पांच कर्म करने के लिए आपकी जठर अग्नि पूरी तरह से तीव्र होनी चाहिए, ताकि आपकी जो जठर अग्नि है वो औषधियों को पचा सके और आपका शरीर जो है वो पंचकर्मा के मेन प्रोसीजर को सहने लायक हो। इसलिए ये प्रीलिमिनरी प्रोसीजर किए जाते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी प्रोसीजर्स होते हैं, ये पाँच इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि आपके सेल्स के अंदर से और सेल के इंटरसेलुलर स्पेसिस में से जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रखे होते हैं, जिनकी वजह से हमारे सेल्स जो अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें रोग होते हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए प्रधान कर्म किए जाते हैं, जिसके अंदर वमन, विरेचन, अस्थापन वस्ति, अनुवासन वस्ति और नस्य कर्म आते हैं। इन प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। हर पेशेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट ये प्रोसीजर्स जो चूज़ किए जाते हैं, और हर डिज़ीज़ के लिए डिफरेंट है और हर रोगी के लिए ये डिफरेंट प्रोसीजर चूज़ किए जाते हैं, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको चूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं फॉलो अप प्रोसीजर। फॉलो अप प्रोसीजर में आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को दोबारा से उसको रिस्टोर करने के लिए और आपकी डाइजेस्टिव फायर को रिस्टोर करने के लिए संसर्जन कर्म और तर्पण आदि कर्म किया जाता है। इससे मतलब है कि आपको ऐसी डाइट बताई जाती है कि आपने पंचकर्मा के बाद कौन कौन सी डाइट आपने फॉलो करनी है, कि आप जो है अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन कर सकें और पंचकर्मा का आपको संपूर्ण जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। इसमें सबसे पहले अब डिटेल में अगर बताया जाए तो जो स्नेहन कर्म होता है, उसमें आपकी जो शरीर है उसको बाहर से और अंदर से फैट सब्सटेंसेस से ग्रीस किया जाता है। ये हेल्प करता है आपके दोषों को रोगों की साइट से बाहर निकलने में, बाहर के रास्ते की तरफ रोगों दोषों को अग्रसर करता है। दोषों को मूव करने के बाद वहाँ पे स्वेदन किया जाता है, ताकि जो मूव हो रखे हुए, संचलित हो रखे हुए दोष हैं वो बाहर निकल सके। आपकी स्वेटिंग के थ्रू डिफरेंट मेथड ऑफ स्वेटिंग जो है, परस्पिरेशन इसमें अप्लाई की जाती है बॉडी पे। इस प्रोसीजर से जो मोबिलाइज दोष होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपके स्किन के थ्रू और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू आपकी जो दोष हैं वो आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से मेन प्रोसीजर्स के अंदर आता है वमन कर्म। वमन कर्म में हम दवाई देकर, एक औषधि देकर, जो टॉक्सिन्स आपके गैस्ट्रिक ट्रैक में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक्यूमुलेट हो रखे होते हैं, इकट्ठे हो रखे होते हैं, उनको वॉमिटिंग कराकर बाहर निकालते हैं, और ये आपके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक को शुद्ध करने वाला एक प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर जो प्रधान कर्म में आता है वो आता है विरेचन। विरेचन में आपको औषधि देकर आपकी
आपके कोस्ट के अनुसार आपको औषधि दी जाती है और हर रोगी के अनुसार डिफरेंट औषधि दी जाती है। इसमें जो अक्यूमुलेटेड मॉर्बिड दोष होते हैं उनको इंटेस्टाइन से बाहर निकाला जाता है बाय इंड्यूसिंग पर्गेशन। इससे आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और आपकी डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो पूरी तरह से स्टिमुलेट हो जाती है। थर्ड प्रोसीजर आता है बस्ती। बस्ती में जो मॉर्बिड दोष होते हैं उनको कॉलन से बाहर निकाला जाता है बाय इवैक्यूएटिंग एनीमा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट औषधियाँ, ऑयल यूज़ किए जाते हैं। और दूसरी बस्ती आती है, इसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं जिसके अंदर जानू बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती भी की जाती है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बस्ती है जो कि नी पेन के लिए, बैक पेन के लिए यूज़ की जाती है। उसी तरह से अनदर फॉर्म ऑफ पंचकर्मा है नस्य। नस्य में आता है जिस आपके ईयर, नोज एंड थ्रोट को शुद्ध करने के लिए, वहाँ के दोषों को बाहर निकालने के लिए नस्य का यूज़ किया जाता है। इसमें आपके नाक के थ्रू मेडिसिन आपके डाली जाती है, अंदर डाली जाती है, जो कि आपके ईयर, नोज एंड थ्रोट वाले एरिया को शुद्ध करती है और वहाँ के दोषों को बाहर निकाल के आपको ENT की डिजीज से छुटकारा दिलाती है। इस तरह से ये सारे प्रोसीजर किए जाते हैं। उनमें से एक प्रोसीजर आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण जो है इसके अंदर आपके जो अशुद्ध ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है बाय द यूज़ ऑफ जलोका, लीचीज, या फिर आप आजकल स्कैल्प वेन के थ्रू भी ब्लड जो है वो बाहर निकाला जाता है। ब्लड लेटिंग भी इसको कहते हैं। इसके अंदर जो इम्प्योर ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है। इस तरह से जितनी भी हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, स्किन डिजीजेस हैं, उनमें रक्त मोक्षण किया जाता है। इस तरह से ये सारे जो प्रधान कर्म है करने के बाद संसर्जन कर्म की बारी आती है जिसमें फॉलोअर प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अंदर आपको स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डाइट दी जाती है शोधन कर्म करने के बाद, ताकि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो दोबारा से रिस्टोर हो सके और आपको किसी भी तरह की डाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए और आपकी एनर्जी लेवल जैसे पहले था वैसा ही अच्छे से रिस्टोर हो पाए। इसमें स्पेसिफिक डाइट दी जाती है। इसी तरह से जो लोग संसर्जन कर्म करने के लायक नहीं होते हैं उनमें तर्पण कर्म किया जाता है। इसमें डिफरेंट तरह की डाइट जो होती है वो पेशेंट को अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू हिज दोष उसको दी जाती है और उसके लेवल ऑफ शोधन के अकॉर्डिंग उसको ये दी जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स में अलग अलग तरीके की डाइट जो है जो उनको सूट करती है उस तरह की डाइट उनके पंचकर्म शोधन के अनुसार उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होती है और हर पेशेंट को डिफरेंट तरह से पंचकर्म में औषधियाँ यूज़ होती हैं। इस तरह से पूर्ण शुद्धि होने के बाद शमन चिकित्सा की जाती है। शमन चिकित्सा में शोधन होने के बाद, प्योरिफिकेशन होने के बाद पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं जिससे जो थोड़ा बहुत दोष उसके अंदर रह जाता है वो औषधियों के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, ताकि जो थोड़ा बहुत डिजीज अगर रह भी जाए शोधन करने के बाद तो वो शमन, शमन मतलब के मेडिसिन के थ्रू, हर्बल मेडिसिन के थ्रू उसको ठीक किया जाता है। कुछ जो बीमारियां होती हैं वो शोधन करने के बाद भी और शमन करने के बाद भी रिलैप्स कर जाती हैं, दोबारा दोबारा से होनी शुरू हो जाती हैं। और उस रिलैप्स को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो बीमारी दोबारा ना हो, तो साथ में रसायन चिकित्सा दी जाती है। पेशेंट को रसायन प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि जो उसकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सके और उसकी जो बीमारी जो अंदर से निकाली गई है उसको रसायन से दोबारा ना होने दिया जाए। इसके लिए डिफरेंट रसायन हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ अलग प्रोसीजर जो एडिशनल प्रोसीजर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं पंचकर्मा में, उसके अंदर आता है जानू बस्ती, कटी बस्ती, शिरोधारा और शिरोबस्ती, ये सब प्रोसीजर्स आते हैं। कटी बस्ती है वो बैक पेन के लिए यूज़ होती है, शिरोधारा डिप्रेशन डिमेंशिया के लिए यूज़ होती है और जानू बस्ती नी पेन के लिए यूज़ होती है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।